राधे राधे दोस्तों दोस्तों, देखिए मैंने वूलन स्कार्फ बनाया है शॉर्ट। इस स्कार्फ को हम दो तरह से पहन सकते हैं। एक तो ये हो गया, इधर रानी कलर दिख रहा है, ये पिंक है, और ये मैंने बटन लगा रखे हैं। जो इसके कंगूरे हैं इसी में इस बटन के काज हो गए। ये व्हाइट कलर की यहाँ डिज़ाइन डाली है, यहाँ चेक डाले हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी डाला है चेक। ये देखिए, ऐसे भी पहन सकते हैं इसे। नेक वार्मर। अब एक दो तरह से ये हो गया। एक और तरह से ये देखिए, ये बटन निकालते हैं। इसमें मैंने ये इसको इस तरह से करके यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से पहन सकते हैं, या फिर हम इसको भी इसे ऐसे अंदर कर देंगे और ये इस तरह से पहन सकते हैं। अगर ये सुंदर लग रहा है और कलरफुल मेरा मफलर बहुत ही सरल तरीके से बनाया है मैंने, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों। देखिए ये जो मैंने बनाया है, मैंने ये कैसे बनाया है, ये सब कुछ शेयर किया है। तो ये 14 फंदे जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक प्लेन बनाए ये केवल, और इसके नीचे का यहाँ पर यहाँ 14 फंदे उठाकर फिर ये इस तरह से बना दिया है। ये आई की तरह बन गया, और इसे आराम से इसमें ऐसे डाल देंगे। दोस्तों इसमें मैंने 80 फंदे डाले हैं। ये 5 साल से लेके 12 साल तक की बेबी गर्ल की स्कार्फ है, मुफलर शॉर्ट। 80 फंदे डाले हैं इसमें मैंने। यहाँ पे इतने में पिंक कलर डाला है, और इसमें ये डिज़ाइन डाली है बुनाई, और फिर ये दो उल्टे दो सीधे, और ये साइड में जो है ये केबल डाली है। और इसके बाद फिर पिंक, मैं मुझे रानी कलर यूज़ करना था इसलिए दो पिंक और दो रानी कलर के ऐसे इस तरह से डिज़ाइन डाला है ये, और ये केबल डाली है यहाँ पर। यहाँ दो उल्टे दो सीधे के बॉर्डर है, बीच में केबल। ये मैं बनाऊँगी 24 इंच लंबाई इसकी, और 24 इंच लंबाई बनाने के बाद फिर ये मैंने 14 फंदे में केबल जो है ये अलग से बनाया है इतना। ये देखिए, ये इतना अलग बना के, और फिर मैंने जितने 14 फंदे ही इसमें डाल के और यहाँ से बुन दूंगी जेब की तरह। तो ये मेरा ऊपर जैसे आएगा, तो जब हम मुफलर पहनेंगे तो इसके अंदर से मैं नॉट लगाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाना है आगे। दोस्तों नॉट लगाने के लिए मुफलर की ये 14 फंदे मैंने इतने बुन लिए हैं, और इसमें केबल डाल दिया है। ये देखिए देखिए, जिस तरह से ये बुनाई आ रही है ये वैसे ही इसमें डाल दिया है, और
14 फंदों को ही मैंने 3 इंच बुनाए। 3 इंच बुनने के बाद छोड़ दिए अपने इसी के पास, यहाँ पर ये 14 फंदे उठा लिए, इसकी जगह ये उठा लिए और फिर 3 इंच ये बुन लिए। 3 इंच बुनने के बाद अब मैं इसके साथ 14 फंदे, 14 ये 14 ये दोनों के मतलब 28 हो गए, 28 के 14 कर दूंगी ये। तो ये जो हमारा ये ऐसे होल बन गया है, इसमें हम दूसरी मोफलर का इस तरह से इसमें नॉट बना देंगे। तो ये मैं कैसे घटाऊंगी ये देखिए, इस तरह से कर लिए दो सिलाई एक साथ, एक फंदा इसमें से लूंगी और एक इसमें से लूंगी, जैसे घटाते हैं लेकिन उनका एक जो है उसे बुन लूंगी। एक इसमें से ले लिया और एक इसमें, और इसको सादा ही बुन लूंगी। इस तरह से ये सिलाई, ये समझिए कि सिलाई हो रही है, या फिर हम इन फंदों को घटा देते और फिर इसमें सिल देंगे, जैसे यहाँ पे ये सिला जाएगा ऐसे यहाँ पे सिल देंगे, या फिर इस तरह से ये देखिए दोस्तों ये सिलाई हो गई है ऐसे, और बीच में ये हमारा